Now next topic is cavity problems. Now cavity problem is, suppose this is a disc of mass m radius r. तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो छोटा सा सेक्शन है इज कट आउट. ये सेक्शन का रेडियस इज r by 3, करेक्ट. सो दिस सेक्शन इज कट आउट. तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास में किए हुए थे. सिर्फ डिफरेंस यहां पर ये होगा, इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ मास वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट व्हेन दिस सेक्शन इज कट आउट. क्लियर, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास की तरह जो सेक्शन कट आउट है उसके मास को हम लोग सिर्फ नेगेटिव मास कंसीडर करेंगे, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम. इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ओरिजिनल लार्जर डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. मतलब ये सेंटर से परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, करेक्ट, ओके. तो वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ये लार्जर डिस्क और ये स्मॉलर डिस्क विच इज कट आउट. सो दो ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स को लेबल करेंगे इफ यू वांट. सो ए एंड दिस कट आउट इज बी. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बी, करेक्ट, ठीक है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, ए के लिए चेक करो, ए के लिए. फॉर दिस ए, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन. तो डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वेयर बाय 2, करेक्ट, ओके. फिर इसके लिए ये जो स्मॉलर सेक्शन है, सपोज इसका मास इज स्मॉल एम, ठीक है. तो फॉर दिस डिस्क वी हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट. तो टेक एक्सिस पैरेलल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क, मतलब ये. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम आर स्क्वेयर एम आर स्क्वेयर बाय 2, करेक्ट, प्लस एम डी स्क्वेयर. डी इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, करेक्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में. तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस क्या होगा, सी ये टोटल डिस्टेंस, ये रेडियस इज आर, और दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एक्चुअली दिस डिस्टेंस इज डी, ये डिस्टेंस इज डी, राइट. तो ये डी डिस्टेंस क्या होगा, दिस टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, करेक्ट. तो दिस डिस्टेंस इज आर, दिस इज आर बाई 3, सो आर माइनस आर बाई 3, सो डी विल बी इक्वल टू आर माइनस आर बाय 3, सो दिस विल बी 2 आर बाय 3, सो डी स्क्वेयर, सो 2 आर बाय 3 स्क्वेयर. सो दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, करेक्ट. नाउ वी विल फाइंड स्मॉल m. स्मॉल m कैसे फाइंड करेंगे, सेम मास ऑफ दिस एलिमेंट इज डेंसिटी, करेक्ट. कौन सा डेंसिटी ले, एरिया, दैट इज सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इज अ सर्कल, सो पाई आर स्क्वायर, सो दिस विल बी मास. सो वी कैन राइट दिस एज सिग्मा इज टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, सो पाई आर स्क्वायर बाय 9, सो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो दिस विल बी एम बाय 9. नाउ दिस एलिमेंट इज कट आउट, करेक्ट, दिस एलिमेंट इज कट आउट, सो वी टेक मास एज नेगेटिव. सो फाइनली इन प्लेस ऑफ मास वी विल सब्स्टिट्यूट माइनस एम बाय 9. तो सब्स्टिट्यूट, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस एम बाय 9 आर स्क्वायर बाय 9 डिवाइड बाय 2, एम इज माइनस एम बाय 9, 4 आर स्क्वायर बाय 9, करेक्ट. कैलकुलेशन, दिस विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस दिस इज एम आर स्क्वायर बाय 81 इंटू 2 माइनस एम 4 एम आर स्क्वायर बाय 81, करेक्ट. कुछ कॉमन, यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बिकम एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाय 81 इंटू 2 माइनस 8 एम आर स्क्वायर बाय 81 इंटू 2, करेक्ट. यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 81, सो दिस विल ऑल्सो बी 81 इंटू 2. तो कैलकुलेशन विल बी
this is minus 9, correct? 81 minus 9 is 72 mr square divided by 81 into 2. So, jo bhi calculation hai, that will be final answer. So, hamesha yaad rakho, whenever element is removed, us mass ko take negative mass, correct? Or you can also do is, which element is removed, us element ke liye jo moment of inertia hai, uske liye direct minus sign likho. Same hoga. Correct? So, is tarah, if any material is removed, you can use this cavity problem.